हेलो हाउ आर यू आई एम अंडर द वॉटर ऐसा ही कुछ कहेंगे जब आप इस होटल में विजिट करेंगे। जी हाँ सही बोला मैंने, जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो चाहते हैं कि सफर का हर एक पल रोमांचक हो। तो चलिए मैं आपको सबसे महंगे होटल की झलक दिखाने जा रहा हूँ इस वीडियो में। ये इतना अनोखा है कि रात हो या दिन आपको वहाँ से हटने का मन ही नहीं करेगा। अच्छा हमको सिखा रहा है। ये होटल जमीन पर नहीं बल्कि अंडर वाटर बना हुआ है। जी हाँ दुनिया का पहला अंडर वाटर होटल मालदीव में खुला गया है। इस अंडर वाटर होटल के बेडरूम की दीवारें शीशे की है जिनमें से समुद्र के अंदर का नजारा देखा जा सकता है। समुद्र की 16 फीट गहराई में स्थित इस होटल में प्राइवेट जिम, शेफ बार और पूल जैसी लग्जरी सुविधाएं भी मौजूद है। मुराका में ठहरने वालों के लिए 90 मिनट की मसाज और स्पीड बोट की फैसिलिटी भी मौजूद है यहाँ पर। इस होटल का टॉप फ्लोर पानी के बाहर है जहाँ रिलैक्सेशन डेक पर मेहमान सनबाथ ले सकते हैं। समुद्र के अंदर इस होटल को मार्दिव्स रंगाली आइसलैंड एंड रिजॉर्ट्स ने बनाया है। इसे बनाने में करीब 108 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 2 फ्लोर के इस होटल का नाम मुराका रखा गया है। हिंदी में मुराका का मतलब समुद्री मूंगा होता है। और गाइस सबसे शॉकिंग बात तो यह है इस होटल में एक रात ठहरने की कीमत इतनी है कि आप इतने रुपयों में एक अच्छे खासे फ्लैट या जमीन के मालिक बन सकते हैं या फिर मर्सिडीज कार भी खरीद सकते हैं। इस होटल में 4 रातों का पैकेज $2,00,000 यानी कि 1.4 करोड़ रुपए है। इसके हिसाब से एक रात का किराया 36 लाख रुपए होता है। लेकिन इस होटल में एक रात ठहरने की सुविधा उपलब्ध ही नहीं है। अगर आपको यहाँ रहना है तो आपको पूरा पैकेज लेना पड़ेगा जो कि 4 दिन का है। ये एक तरह का इनका बिजनेस स्ट्रेटेजी आप कह सकते हैं। मुराका को बनाने में पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा गया है। इसमें स्टील, ग्लास, एक्रिलिक और कॉन्क्रीट का इस्तेमाल किया गया है। सिंगापुर में इसे तैयार कर विशेष जहाज से मालदीव लाकर समुद्र के अंदर सेट किया गया है। तेज लहरों से बचाने के लिए इसे मजबूत खंभों में बांधा गया है। ये होटल मालदीव देश के प्रमुख हॉलीडे डेस्टिनेशन में भी शामिल है। हर साल देश के करीब 60,000 लोग यहाँ छुट्टियां बिताने आते हैं। तो गाइज आप सोच सकते हैं कितना सुंदर है ये अंडर वाटर होटल। वीडियो मजेदार लगे होगी तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।